थैंक यू। सीमा जी, गुड इवनिंग मैम। हेलो गुड एवरीवन। इवनिंग। मैम बस ये कहना था मुझे कि आज अभी जैसे जब आपने ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग कराई तो आई वाज मतलब जैसे आंखों में आंसू थे, ये वाली चीज तो थी। एंड आफ्टर दैट जो भी किया, आई डोंट नो क्या है ये, बिकॉज माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज माय सोल पर्पस। एंड उसको लेकर के ही ये जो भी ड्रॉ हुआ हुआ सेक्रेट स्पेस पे, तो आई कुड सी द सिंबल ऑफ ओम एंड इट वाज लाइक जैसे केव के अंदर। आई डोंट नो व्हाई आई सी सो मेनी केव्स बहुत अंदर जाकर के। एंड देयर वाज दिस, जैसे पानी पानी नहीं होता है, पानी की जो चादर होती है उसके ऊपर ओम बना हुआ था। एंड इट वाज वेरी ब्राइट। मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही शायद, लेकिन पानी का जैसे झरना जब गिरता है तो एक जो उसका फ्लो बनता है, तो इट वाज लाइक ग्लास की तरह था वो, एंड उसके ऊपर ओम बना हुआ था, ऐसा कुछ सिंबल दिख रहा था मुझे। एंड वॉट एवर फिर जो भी वो पूजा वूजा करनी थी वो करके, एंड यस आर्कएंजल माइकल को तो बिकॉज डेली आई मेक इट अ हैबिट ऑफ कॉलिंग अपॉन आर्कएंजल माइकल ड्यूरिंग दी नाइट बिफोर आई स्लीप एंड इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप टू प्रोटेक्ट एंड शील्ड, ये तो मैं करती हूँ, वैसे भी उनको बोलती हूँ, तो वो चीज मैंने करी। तो ये ही चीज निकल के आया। बट मुझे अभी भी लग रहा था कि जैसे ऑफकोर्स प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच वन ऑफ अस, तो वो चीज तो करनी है। तो मुझे तो बस यही अपना इनपुट देना था एंड थैंक्स टू यू कि ये चीज हम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी है मैम टू डू ऑल दीज मोडालिटीज, दिस इज फ्रॉम 2019। एंड इससे पहले मुझे तो ना कोई पूजा पाठ का शौक था, ना मुझे कोई मतलब ऐसा रिचुअल करने का शौक था। अभी भी मैं कोई बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं हूँ कि आई एम कंटिन्यूअसली डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट समहाउ मतलब इट्स लाइक एक के बाद एक कोर्स करती जा रही हूँ मैं। अब वो कोर्स मैं क्यों कर रही हूँ, कौन करवा रहा है, क्या होगा, आई आई हैव नो आइडिया। बट मतलब आई हैव कम्प्लीटली सरेंडर्ड माई सेल्फ की वट एवर आई मे अर्न आई आई एम गोइंग टू पुट इट इन टू दैट। मेरे को कुछ कराना है, जो भी करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है, होगा क्या इससे, क्या नहीं होगा, बट आई एम जस्ट वॉकिंग ऑन दिस पाथ अब। और मेरे आई एम लकी कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स एंड गाइड्स मिल रहे हैं कि मैं उनसे अगर थोड़ा बहुत भी सीख पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य ही रहेगा। और वैसे भी मेरी टीचिंग की लाइन है एंड आई एम फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड। आई मीन टीचिंग एज एन परफॉर्मिंग आर्ट्स में हूँ मैं, तो उसमें गुरु शिष्य की परंपरा तो रहती है। तो बिल्कुल। वो एक मतलब क्योंकि परफॉर्मिंग जैसे परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि डांस जैसी लाइन को छोड़ करके आप इसमें जा रहे हो ना, तो वो भी मेरे लिए मतलब मैं छोड़ नहीं रही हूँ उसको क्योंकि वो तो मेरे ब्लड में है, बट इन चीजों में मैं जा रही हूँ और इतना जा रही हूँ कि एक अर्ज है कि ये भी जानना है वो भी जानना है कैसे है क्या है। मतलब किसी किसी को होता है ना कि हम पैसा सेव करके हम कुछ ऐसा खरीदें या ये बना लें या कुछ ऐसा कर लें, बट मेरे को ये है कि मैं उससे नॉलेज अपनी एनहांस करूँ, तो मेरा वो ही चीज चल रहा है एंड आई एम थैंकफुल टू यू। तो थैंक यू सो ये मच। बट ये है, देखिए, सिंस यू आर इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स, आप ऑलरेडी किसी क्रिएटिव स्किल में हैं। ये उन्हीं लोगों को मिलती है या वही लोग होते हैं इसमें जो ऑलरेडी जिनके अंदर ये चीजें बसी होती हैं, एंड नाउ यू कनेक्टेड टू ऑकल्ट, तो वो और एनहेंस हो जाएगा बिकॉज योर डांस फॉर्म्स, योर लर्निंग ऑफ डांस फॉर्म्स एंड डिलीवरिंग द सेम एज योर टीचिंग, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस, एंड देन वो पूरा शेप अप करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट आपको खुद नहीं पता होगा आप कितने लोगों को हील कर रहे हैं एट द सेम टाइम।
या मैम, ये तो मैं महसूस करती हूँ बिकॉज बच्चों के साथ में कनेक्ट करती हूँ एंड द एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम द चिल्ड्रन मतलब इतनी प्योर होती है एंड आपको एक आनंद आता है सिखा करके। क्योंकि एग्जैक्टली एडल्ट्स के साथ में करो ना तो सबका एक माइंडसेट यही होता है कि भाई हमने फीस दी है और हमने बदले में क्या किया, बट बच्चों के साथ में थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। तो फीस तो एक एनर्जी एक्सचेंज है बिकॉज हमारी लाइन में भी इट इज लाइक एन एनर्जी एक्सचेंज, बट ज्ञान की आप वैल्यू थोड़ी लगा सकते वैसे देखा जाए तो वो वाली चीज है। बट आई एम हैप्पी कि मैं आपसे जुड़ी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा ही करके दिखा पाऊँ इसमें। और बिल्कुल अगर मेरे से किसी को हीलिंग मिले, सबसे पहले तो खुद को, कहते हैं ना वो प्लेन में भी ट्रेवल करते हो तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क हाँ लगाओ फिर जी तो दूसरे को लगाना, तो पहले तो अपने आप को करें, अपने बारे में जानें और फिर इसको अगर लेकर के कुछ कर पाए फॉर द सोसाइटी एट लार्ज तो ये सौभाग्य होगा मेरा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक बिल्कुल एंड आई एम श्योर यू विल रियली डू इट. यू सो मच मैम।